मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा और अभी डॉक्टर ममता आनंद मेरी वाइफ हैं और हम लोग यही करने वाले हैं, हम लिस्ट पढ़े लिखे हैं। तो हमारे प्रधान जी एक्चुअली में जब हम यहीं के हैं तो हमारे सब लोग, हमारे दादा चाचा बाबा सब लोग वही हैं। तो इन लोगों ने हमसे, मतलब हमारे जो प्रधान जी हैं, उन्होंने ये हमसे कहा कि भाई हमारे गाँव में तमाम तरह की तकलीफें हैं, बहुत ऐसी परेशानियाँ हैं जो आप बाहर इलाज कर सकते हैं, तो हमारे अपने काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वास्तव में कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने इनकी बात को सुना तो हमने एक तो मोटो बनाया, ठीक है जब आप आग्रह इतना कर रहे हैं, और वैसे भी मेरा भी फर्ज है कि भाई हमने इस समाज को दिया तो हम इस समाज के लिए कुछ जाएं। तो हमने अपने भाई से यही कहा कि ठीक है, उतना समय तो नहीं हमारे पास है, लेकिन यह है कि हम जितना भी संभव होगा हम कोशिश करेंगे कि अपने गाँव के लिए कुछ किया जाए। तो हमने शुरुआत यहीं से शुरू किया कि कम से कम अपने गांव से हम शुरू करें। हम लोग जा करके परसों गए थे तो अपने मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने आने को भी बोला, लेकिन मेन मौके पे जो अभी आ गए वो सारा सुब्रतो राय, तो उनकी वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ का कैंसिल कर दिया। और उन्होंने मुझे सॉरी बोला और कहा कहो बेटा मैं कल आ जाऊँ। तो मैंने कहा जब आप आज नहीं आ पाए भाई मैम कल कैसे आ पाएंगे आप, हमने आपसे केवल आधे घंटे मांगी थी, लेकिन उनका भी शेड्यूल है, आप लोगों को भी पता है जो जितने ही बड़े चेयर पे जाता है उसके पास उतना ही कम समय रहता है, तो खुद नहीं चाय पा भी पाता तो हमारे साथ ये चाय बैठ नहीं पाएगा। तो उन्होंने हमसे तो माफ़ी मांगी और हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये आपका गाँव है, आपका क्षेत्र है, जब मन करे तब आप आइए, जब चाहिए तब आए। तो प्रधान से बात हुई है, उन्होंने कहा ठीक है कभी और प्रयास करेंगे, उस समय भी बुला लेंगे उनको। तो हमसे ये नहीं है, हमने किसी इतनी बड़ी हस्ती को बुलाया है, हमें तो बस आपका सहयोग चाहिए, आप जो कहिए हम वो करेंगे, लेकिन यह थोड़ा सहयोग आप करिए। तो प्रधान जी ने हमसे ये कहा कि ये कैंप लगाइए, निशु कैंप लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं गरीबी से आप निकले हैं, तो आप गरीबों की सेवा के लिए कुछ करिए। ऐसे तो हमारे बगल में ऐसी अस्पताल है, जैसे सरकारी अस्पताल है, हम इसी पे कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ पे दांत के डॉक्टर कम है, इसलिए हमने अपनी मैसेज को आपके क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष है, आपने एक मिनट, आपने कभी समस्या जाना है, दो साल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं आया, सारे नेता यहाँ के हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष है, अभी बात हो जा रही है, बात में दो साल हो गया, पूरी बात तो नहीं, पूरी बात तो हम पूरा दिन लेके आए हैं, हालांकि मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी है आज, फोन आया मुझे भी जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम में, ऐसा नहीं है हमारे पंचायत जी आए हैं, प्रधान जी आए हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी चीज की समस्या तुरंत साफ नहीं होती है, उसके लिए कड़ी, जब समस्या शुरू होती है अगर तुरंत वहाँ पे एडवांस आप इलाज करेंगे तब तो खत्म हो जाएगी, जब समस्या शुरू होकर ये पीक पे पहुंच जाएगा फिर उसका इलाज करते हैं कि बाद भी देरी लगती है, ऐसा नहीं है कि आप छोटी चढ़ गए तुरंत धकेल दीजिए गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता, जब समस्या धीरे धीरे चढ़ती है, मान लीजिए बेस लाइन पे वहीं आप दबा दिए पैसे तो कुचल जाएगा, लेकिन जब वो मुंह बना के ऊपर पौधा बन जाएगा तब आप नहीं काट सकती, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा ना चाहे प्रधान जी हों चाहे हमारे सदस्य जी हों चाहे कोई भी हो, घर की प्रॉब्लम को ले लीजिए, अगर बच्चा जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर बच्चा छोटा है उसी समय बदमाशी करता है टोक दे रहे हैं तो वहाँ समझ जाएगी मैं कहीं गलत हूँ, अगर वो बड़ा होकर के वो गलती करेगा, गलती करती करते जाए और लास्ट में आपको दो थप्पड़ मारेंगे तो वो ये कहेगा ये बात पहले आप क्यों नहीं कहे, तो जिससे समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे कहने का ये है कि आज हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किए हैं, एक हमने जो है कि एक हेल्पलाइन स्टार्ट की है, इस हेल्पलाइन में ये है कि आप मेडिकल से संबंधित कोई नहीं, स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है, इसमें ऐसा है कि एक जो हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है इसमें ये है कि आप कोई भी समस्या हो, जमीन का जायदाद का घर से भी बात है, कुछ भी हो स्वास्थ्य मतलब कुछ भी हो आप इस पर कई बार फोन करिए, कुछ भी हो ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई संकोच नहीं है, आपकी जमीन जायदाद थाने एक मानवाधिकार की तरह हम लोग लॉन्च किए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्वास्थ्य के बारे में, हम डॉक्टर हैं इसलिए अपनी बात करेंगे, हमारे प्रधान जी हैं वो गाँव समस्या के बारे में बात करेंगे, सदस्य जी हैं इनके पास तमाम काम है वो अपनी समस्या बताएंगे। ये हेल्पलाइन हमने स्टार्ट इसलिए की है कि आप कभी भी फोन करेंगे, जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा, जो आपसे करने लायक होगा मैं आपको फोन करूंगा, जो एसओ से करना होगा मैं उसको फोन करूंगा, जो डीएम से जरूरत होगी मैं उसको फोन करूंगा। तो हमारी एक कड़ी है, ये नहीं मैं तोड़ के आऊंगा मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर जमीन का जायदाद मेड़ का ही है तो मैं क्या करूंगा,
आपने मुझे इन्फॉर्म की, मैं डीएम को इन्फॉर्म करूंगा कि मेरे गांव की समस्या है और आप जाकर उसको उत्तर निवारण करेंगे, तो डीएम नहीं आएगा, वो यहाँ के थाना अध्यक्ष को भेजेगा, वो प्रधान को बोलेगा, वो आपके सम्मानित आप लोगों से बात करेगा, तो ऐसे होता है। तो हम लोग जो है कि अब अपने प्रधान जी को जैसे हम यहाँ पे एक जो शिविर आयोजन किए हैं, इसमें यही है कि हम स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जानकारी है, जो भी मुझे आता है, जो भी आप लोगों की आशीर्वाद है, इसके माध्यम मैं देना ही चाह रहा हूँ कि देखिए अभी बरसात शुरू हो गया मैडम। अब बरसात शुरू होने से ये होता है जगह जगह नाली इकट्ठे सब कीचड़ से सब पानी से भर जाता है, उसमें ये होता है मच्छर पनपते हैं, गंदगी होता है, तो इसमें आप बीमारी सुने होंगे यही जखनी से जैसे नौकी बीमारी हर क्षेत्र में है, गोरखपुर क्षेत्र में कम है, हमारे कुशीनगर ढांचा में वही समय वहाँ का अधीक्षक हूँ। तो अभी जब हम कसियाँ या और पूरब जाते हैं तो वहाँ पर ज्यादा विकराल रूप में है बीमारी जापानी इंसेफ्लाइटिस, और चूंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यही जापानी इंसेफ्लाइटिस जो वायरस से होता है उसके लैब में जब उसका दिमाग का पानी जाता है जाँच होता है तब पता चलता है कि ये बीमारी इंसेफ्लाइटिस का ही है कि कुछ और। तो इंसेफ्लाइटिस तो बहुत कम है लेकिन उसी के रूप में उसी के जैसा जहर देने वाला हमारे पेट में पहुंचता है, वो गंदे पानी से जाता है, मच्छर से जाता है, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो गंदगी से जाती होती है, चाहे पेट की समस्या हो, चाहे बवासीर हो, हाइड्रोसिस हर्निया हो, मुंह का हो, छाला हो, तो ये सब मेनली होता है गंदगी से। तो हम पहले तो गंदगी पे फोकस करेंगे कि हम उस बीमारी को कैसे भगाएं, बीमारी अगर हो गई तो इलाज कम करेंगे, वो तो है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ जानेंगे तो बीमारी होने नहीं देंगे, जब वो बीमारी आपको होगी नहीं तो मेरी जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि बीमारी होती कैसे है। अगर वो बीमारी के बारे में आप जान जाएंगे कि बीमारी होती कैसे है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से हमें इंसेफ्लाइटिस होता है, खुजली होती है, कुछ भी होता है, मच्छर काटता तो होता है, तो आप क्या करते हैं मच्छर नहीं लगा देते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं अपना, मच्छर का मच्छर में नहीं काटेगा तो हमें बीमारी नहीं होगी, सही। उसी तरह से अगर आप अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, शरीर को साफ रखेंगे, दांत साफ रखेंगे, हाथ पैर साफ रखेंगे, तो कम से कम 80% ऐसी बीमारियां हैं जो आप दूर कर सकते हैं, बिना दवाई के दूर कर सकते हैं। उसमें केवल यह है कि आप अगल बगल साफ सुथरा रखिए, हाथ पैर साफ रखिए, नाखून दांत, तो उससे आप 80% बीमारी बच सकते हैं, हमारे पास आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो मेरा ये है कि आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, आप बिना चाहे डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर को ज्यादा फीस नहीं देंगे, डॉक्टर जो दवा लिखते हो जाए दवा नहीं खरीदेंगे, जब आप 80% ऐसे ही कंट्रोल हो जाएंगे, 20% में ऐसी दवाइयाँ हैं जो हर्ट की हैं, किडनी की है, आँख की है, जो हमारे स्तर से ऊपर की है, तो अलग मैटर है, लेकिन जो जो बीमारी से रोकने के लिए जो मेरे हाथ में उतना मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नंगा रहूंगा तो क्या होगा, चारों तरफ हमारे शरीर में इतने छेद हैं, कहीं से भी बैक्टीरिया घुल जाएगी, कहीं से भी बीमारी पैदा हो जाएगी, हम कपड़ा पहन लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, तो उसी तरह से अगर हम साफ सफाई रखते हैं, अपने अगल बगल के माहौल को साफ रखें, वो भी एक प्रोटेक्शन मिले, वो भी एक इन्वायरमेंट ऐसा वातावरण है तो वो ढक लेगा, सफाई अगल बगल रहेगी तो उसे हम वैसे बच जाएंगे, बीमारी आएगी नहीं, मस्कों में वैसे बच जाएंगे। दूसरा है कि जब भी ये तो हुआ मान लो कि इंसेफ्लाइटिस का, इंसेफ्लाइटिस रोकने के लिए क्या कर लिया, इंसेफ्लाइटिस नहीं कहेंगे तो एरिया से हम लोग भाषा में एरिया मतलब होता है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, मतलब बस सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब होता है बीमारियों में लड़ा था, ऐसी बीमारियां कई बीमारी सिंड्रोम में कई बीमारियां उसमें कोई एक कंट्रोल बीमारी से बुखार है, अगर वह सिंड्रोम हो जाएगा, अगर बुखार है तो बुखार फिर चलिए होगा, पेट झड़ा है पेट जल्द ठीक नहीं होगा, तो पेट झड़ना घर पर बहुत मामूली बीमारी है, बीमार बहुत मामूली नहीं है, पेट झड़ते 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 और मर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बीमार चल रहा है आपको नहीं पता लेकिन हम अभी यहाँ पे यहाँ भी जेई पीबी
जितनी भी बीमारियां होती सारे कारण यहाँ घूम रहे हैं, अगल बगल घूम रहे हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? हमें ट्राफिक में होता क्यों नहीं, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम उसके अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे, अपना फैमिली साफ सफाई रखिए, रोज नहाते हैं साबुन से धुल ले, इसलिए नहीं होता है। अभी एरियस है एपीसोटाइटिस सिंड्रोम, उसका ये है कि जब हाथ गंदा रहेगा, नाखून बड़े बड़े रहेंगे, गंदा पानी पियेंगे, गंदा खाना खाएंगे, वह कीटाणु जब हमारे पेट में जाता है तो वह इंसेफेलाइटिस जैसा लक्षण उत्पन्न करने लगता है, इसलिए उसको सिंड्रोम बोल रही है। कोई सेफेलाइटिस भी नहीं है और कोई बीमारी हम जान नहीं पाएंगे, बीमारी फैल गया, इसलिए उससे बहुत डर लगता है। अरे ये पता चले कि हमको चकमा नहीं आ रहा है, आप बच जाएंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि चाकू मार कौन रहा है, तो आप नहीं बच सकते। इसलिए विशेष तौर से हमारा यही क्या उपाय किया, हम टाइम इसलिए लगाए हैं कि इसमें आप हमें ये बताएगा कि आप बीमारी होती क्या है, आप उसे बच कर सकते हैं। तो साफ सफाई ना, साफ सफाई आप रखेंगे उससे आप बच सकते हैं, मैक्सिमम बीमारी बच सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि एक हमारे पुस्तक लाइन ग्रुप है, तो उसमें हमारी मिसेज जो है कि कैंप लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कैंप दोस्त हमारे फैमिली में बोला था, तो हम उसी को दस मिनट से हम एक पुस्तक हेल्पलाइन जो स्टार्ट किए हैं, तो एक बार तो एक से दो काम हो जाएगा। तो अपने गाँव से हम नए चीज़ की शुरुआत करते हैं, एक हेल्पलाइन हमने स्टार्ट की, हमने प्रधान जी के आग्रह पे अपने गाँव में अपने घर पे आ करके हमने सोचा यहाँ शुरू किया जाए। हमने यहाँ पे डेंटल क्लिनिक, डेंटल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया कि कम से कम कुछ नहीं रहेगा तो आज और कल दो दिन मिलाकर फ्री निःशुल्क हम दांत का इलाज कर लेंगे, क्योंकि हमारे से काफ़ी डॉक्टर हैं। हमारे जब हमारे अपने घर से शुरू कर रहे हैं तो हमारे घर की जब हमारी से यहाँ शुरू नहीं करेंगे इस बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको अपने गाँव से शुरू कराया कि कम से कम अपने जो अपनी हमारे गाँव की महिलाएं हैं, चाहे गाँवी चाहे जो भी हैं, वो अपना इलाज अपने दांत का इलाज इनसे कराएँ। और भी जो प्रॉब्लम है इस नंबर पर फोन करें, हम कुछ डॉक्टर को डॉक्टर आएंगे। इतनी हुआ हमारे स्वयंसेवी संस्था के हैं मिस्टर देवराज जी, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था चला रहे हैं, एक नेटवर्क है, अगर हमसे वो नहीं कंट्रोल हो पाता है तो हम बाहर से बात करते हैं कि ऐसा हमारे गांव में या हमारे सेंटर पे इतने मरीज इस बीमारी से प्रभावित हैं, तो आप एक टीम भेज करके इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ भेजिए और वो निःशुल्क जो निःशुल्क वो आपका इलाज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भगवान नहीं, या मैं इसे हमारे साथ जाते जिले गाने की बीमारी नहीं करेंगे, मैं घाटी का डॉक्टर हूँ, मैं बेहोशक भी हूँ, मैं बेहोश भी करता हूँ, मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, मैं तो जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको लोग बुला करके हम ये शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो बस ज़्यादा नहीं कुछ करना, तो यही है कि आप अपने अगल बगल स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी आपको रहेगी, आपको पता है कि पानी जो इकट्ठा हो रहा है गंदगी फैल रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मिट्टी का तेल डाल देंगे, उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे, पानी रहेगा भी उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। अगर इतनी भी व्यवस्था हो सकती है कि अगर वो भर दें मिट्टी डाल के भर दें तो पानी निकल जाएगा, फिर भी मच्छर नहीं आएंगे। तो आप सब कुछ करते हैं, जानते भी हैं, करते हैं, पहले भी आप लोग जमीन का पत्ता जलाते थे, आज हम नीम है नहीं, नीम का पत्ती जलाएंगे कहाँ से? तो ये है जब आप जान जाएं किसी भी चीज़ के बारे में कि यह चीज़ इससे होता है, आप खुद बच जाएंगे। जानते सब कुछ हैं लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाते, लेकिन हमारा यही है कि लोग क्या कहेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इतने विद्वान हैं, आपने हमको ही यहाँ से निकाल कर हमें डॉक्टर बनाया, तो आप सब जानते हैं कि जो है कि इस चीज़ की वजह से होती है, तो उसको आप वहीं विस्तार कर दीजिए। इसलिए जाहिर तो नहीं, अब हम अपने सिद्धार्थ महोदय कहेंगे जब कुछ और अपनी बात करना चाहें, तो इसी विषय स्वास्थ्य संबंधी कुछ और बात भी बोल रही हैं। हमारा भगवान करें हम ऐसे बात करें, ऐसे ऐसे हमारे घर चलते जाएँ और आप बोलने ही साथ हैं।